आपने कई किसानों की कहानियाँ सुनी होंगी जो आम खेती से अलग होकर ऑर्गेनिक खेती करके काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी बताएंगे जिसने अपनी नौकरी छोड़कर एक अपनी पैतृक ज़मीन पर बाग बनाया। उस बाग में देसी विदेशी कई प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए। इतना ही नहीं, जो लोग पेड़ पौधे से दूर थे उनके पास या तो समय का अभाव था या जगह का अभाव था, ऐसे लोगों को भी अपने इस बाग से जोड़ा। इस बाग में लोग पेड़ पौधों को गोद ले रहे हैं। उन गोद लिए पेड़ पौधे के एवज में वह उनके ख्याल रखने का पैसा दे रहे हैं और इसके माध्यम से वह प्रकृति से भी जुड़े हुए हैं और जो उनका शौक था पेड़ पौधों को बढ़ावा देने का वह भी पूरा कर रहे हैं। करीब 2 दशक तक बड़े प्रिंट मीडिया संस्थानों में काम करने के बाद मन में आया कि कुछ अलग किया जाए, जिसके चलते अपनी पैतृक जमीन पर देसी विदेशी फलदार पौधों का बाग लगाना शुरू किया। जब बाग करीब करीब लग गया, तैयार होने लगा, तो उन्हें सोशल मीडिया में भी पोस्ट करना शुरू किया तो तमाम सारे लोगों के कमेंट आते थे कि आपके पास ज़मीन है, आपने लगा लिया, हम तो लगा ही नहीं सकते। बहुतेरे कहते थे हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए मन में ख्याल आया तो मैंने एक व्यवस्था शुरू की कि जो पौधे नहीं लगा सकते हैं या जिनके पास समय नहीं है वो हमारे बाग में पौधे गोद ले लें, जिनको हम लगाएंगे, हम परवरिश करेंगे, लेकिन नाम उनका चलेगा। तो जब तक पौधा रहेगा तब तक उनका नाम जिंदा रहेगा पौधे के साथ और प्रकृति से जुड़ने का उनका मंतव्य पूरा होगा और इसका पुण्य भी मिलेगा, जिसके चलते करीब कई सैकड़ा लोग अब इस हमारी मुहिम से जुड़ चुके हैं और गोद लेकर खुद को प्रकृति से जोड़कर आनंदित हो रहे हैं।